गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से झारखंड की नदियों को लेकर आई हूँ और इस झारखंड की नदियों में जो छोटी छोटी जो नदियां हैं जो किस पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले ये जो सकरी नदी, सकरी नदी बोलने से ही ये जानी जाती है, ये बहुत ही मार्ग को बदलने में कुख्यात है। ये मार्ग को बदलने वाली नदी है। इसका उपनाम भी है जिसे कहते हैं सुमागधी। सुमागधी क्यों कहते हैं? दो कारण है। एक तो कि रामायण में इस सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है और दूसरा कारण है कि ये मगध से होकर के पहले गुजरती थी, इस कारण इसे सुमागधी कहा जाता है। और कैसे जानते हैं कि मगध से होकर गुजरती थी? जिस समय रामायण के काल के समय यह राजगीर से होकर गुजरती थी। यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। उद्गम, उद्गम जानेंगे। इसका उद्गम जो है हजारीबाग का पठार है या उत्तरी छोटा नागपुर का पठार कह सकते हैं। और प्रवाह क्षेत्र हजारीबाग, पटना, गया, मुंगेर, यानी कि बिहार और झारखंड में इनका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक जो इनकी नदियां हैं वो क्यूल और मोरहर है। क्यूल और मोरहर इनकी दो सहायक नदी है। इसका जो मुहाना है वो गंगा है, ताल क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। अब जानेंगे थोड़े से इसके क्यूल के बारे में। क्यूल नदी, क्यूल नदी का जो उद्गम है वो खरकडिया तीसरी ग्रीडी में है। ठीक है, ये उद्गम के नाम से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है खरकडिया, क्योंकि जब वंश चलते थे तो खरकडिया वंश भी एक चलता था। इसका लखीसराय में ये सकरी नदी से मिल जाती है और ये जो क्यूल नदी है लखीसराय में मिल जाती है। क्यूल स्टेशन भी काफी फेमस है। क्यूल स्टेशन के ही सटे हुए लखीसराय स्टेशन भी है और इसका जो मुहाना है वो सकरी नदी है। इसमें एक थोड़ा सा मुहाना में और कंफ्यूजन है कि जब सकरी नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो सकरी नदी और गंगा नदी एकदम जो है मानो कि एक दूसरे से लिपट लिपट के चल रही है, तो कहीं कहीं पे क्या कह दिया जाता है कि ये गंगा नदी में मिल रही है, तो कहीं कहीं कह दिया जाता है कि ये सकरी नदी में मिल जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में मैंने एक अच्छा वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा उसे जरूर देखिए। उसमें गंगा नदी के कहाँ से निकलती है और मुहाना तक मैंने काफी अच्छा डिटेल से बता दिया। ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की जो सबसे लंबी नदी है हमारे झारखंड के किस जिला से गुजरती है? तो वो है साहेबगंज जिला से। ये क्वेश्चन आ भी गया है कि जो गंगा नदी है हमारे झारखंड के किस जिला से गुजरती है। तो झारखंड में ये गंगा नदी साहेबगंज जिला में बहती है और साहेबगंज के में कितनी दूरी को तय करती है? तो वो है 83 किलोमीटर। ये भी कह सकते हैं कि ये संथाल परगना, यदि परगना पूछे तो ये संथाल परगना से गुजरती है और यदि क्लियर में जिला पूछे तो वो साहेबगंज जिला। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। इधर ब्राह्मणी नदी, बासलोई नदी, देव नदी, कायना नदी, पहले के जो नदी थी उसमें से छूट गए, इसी को मैं ले आई हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन नदी से ना छूटे। तो ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ब्राह्मणी है तो वो पहाड़ से निकल रही है और दुधवा यानी दूध जैसे वस्त्र को पहनी हुई, मतलब सफेद वस्त्र को पहनी है, तो आपका इसका ट्रिक से याद हो जाएगा दुमका जिला दुधवा पहाड़ी। और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, घुमरो और एरो। इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? तो घुमरो और एरो है। मुहाना गंगा नदी में है। गंगा नदी में वो किस जगह मिलती है? तो वह बंगाल का नलहाती स्टेशन, नलहाती स्टेशन के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बासलोई नदी। बासलोई नदी गोड्डा जिले के बांसवाड़ी, बासलोई बांस, तो इस नाम से ट्रिक से हो जाएगा। तो बांसवाड़ी कहाँ है? गोड्डा में, यानी गोड्डा जिले के बांसवाड़ी में। दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती है ये और गोड्डा और पाकुड़ को अलग करती है, मतलब दुमका में बहती हुई फिर उसके बाद गोड्डा और पाकुड़ को ये अलग करती है और सीमा भी बनाती है दुमका जिला का। इसका भी मुहाना गंगा ही है, लेकिन ये गंगा में कहाँ से ऊपर मिलती है? तो वह मुरारी रेलवे स्टेशन, मुरारी रेलवे स्टेशन के पास। अब जानेंगे देव नदी। देव नदी का उद्गम जो है गमरिया प्रखंड सराय किला खरसावा में है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है फुलगरा और ये जो है
दक्षिण कोयल से जाके मिल जाती है, सॉरी दक्षिण कारो नदी से, समझे, दक्षिण कारो नदी से जाके ये मिल जाती है। नेक्स्ट है कायना नदी। कायना नदी का उद्गम सारंडा है, जो सारंडा जंगल काफी फेमस है, उसी सारंडा जंगल से कायना नदी निकलती है और इसी कायना नदी पे एक हिरनी जलप्रपात है। ये जलप्रपात काफी ऊंचा नहीं है, लेकिन जो गिरती है और वहां का जो हरियाली है उसके कारण, इसका पिकनिक स्पॉट के कारण ये काफी फेमस है। और ये कहाँ है तो रांची चाईबासा के मार्ग पर है। इसका मुहाना दक्षिण कोयल नदी है। अब देखेंगे इससे प्रमुख प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो सकरी नदी है, तो क्वेश्चन होगा कौन सी ऐसी नदी है जो कि मार्ग बदलने के लिए काफी कुख्यात है, तो वह है सकरी नदी। किस नदी को सुमाग्धि के नाम से पुकारा जाता है, तो वो भी सकरी नदी है। इसके जो ये प्रमुख क्वेश्चन होंगे। और क्यूल नदी, क्यूल ग्रीडी से कौन सी नदी, यदि पूछा जाए कि ग्रीडी से कौन सी नदी निकलती है, तो कह सकते हैं हम लोग उसको क्यूल नदी। कहां से, खरडिया तीसरी से। और इसका भी माना सकरी नदी है। तो गंगा नदी का तो मैंने कहा ही कि गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, झारखंड में किस जिला से निकलती है, तो वो है साहेबगंज में। और साहेबगंज के कितनी दूर में, कितनी दूरी तय करती है, तो 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी सहायक नदी क्या है, तो वो है गुमरो एरो। गुमरो रोरो, देखिए रोरो में है ना, गुमरो एरो, ठीक है। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी से निकलती है गोड्डा के। और कौन सी ऐसी नदी है जो दुमका के उत्तरी सीमा को बनाती है, तो वह है बांसलोई नदी। और कौन सी ऐसी नदी है कि जो पाकुर और गुड्डा को अलग करती है, तो वो भी बांसलोई नदी है। फिर देव नदी। देव नदी जो है कौन सी ऐसी नदी है जो सरायकेला खरसावां से निकलती है, तो ये है आपका देव नदी। कहां, किस प्रखंड से, गवारिया प्रखंड से। और इसका जो मुहाना दक्षिण कोयल नदी। इसका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि हिरनी जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, कायना नदी पर, ठीक है। और वह कहाँ है, तो रांची चाईबासा के मार्ग में। और ये या फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि सारंडा के जंगल से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है कायना नदी। आपको ये मेरा वीडियो पसंद होता है, आता है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू।